नाइट्रोजन डाल देते हैं एक ही बार में, टेंशन ही नहीं। सो हेलो दोस्तों, मैं हूं आप लोग का दोस्त अंश, और आज हम अपने किया कैरन से जा रहे हैं एक रोड ट्रिप पे। लगभग 4000 किलोमीटर हम लोग जाने वाले हैं, और पीछे लगेज आप देख के समझ गए होंगे कि यहाँ पे शादियों के कपड़े सब रखे हुए। थर्ड रो और जो बूट स्पीड से पूरा सामान से भर चुका है, मतलब जाने वाले हम 3 लोग हैं बट सामान 7 आदमियों का भरा हुआ है इसमें। आज जो हमारी जो डे 1 की जर्नी होगी वो लगभग 850-950 किलोमीटर होगी, जो 18 घंटा हमको गाड़ी चलानी है यहाँ से नागपुर के लिए। जो अपनी कैरेंस नहीं, साथ में एक सिलेरियो है, एर्टिगा भी है। देरी किए निकलते हैं, टाइम हो रहा है 7:15 हो गए। ये एर्टिका, उसके पीछे अपने कैरेन, सिलेरियो का आता पता नहीं है। सीएनजी भरने के लिए एर्टिका रुकी थी। हम लोग नासिक के पहले रुके हैं यहाँ पे। पहले प्लान था नागपुर से जाने के लिए, समृद्धि का प्रोजेक्ट कितना हुआ वो चेक करने का था, बट अभी प्लान चेंज हुआ क्योंकि नागपुर पहुँचने को दिख रहा है रात को 1:30 बज जाएगा। इसीलिए अब हम लोग डिसाइड किया, हम लोग भोपाल इंदौर भोपाल से होते हुए विदिशा जाएंगे। विदिशा को भी पहुँचते हुए हम लोग को रात को 12 बज जाएगा, बट देखते हैं। सिलेरियो अभी भी 40 किलोमीटर पीछे, उनका वेट करते करते हमारा पूरा टाइम चला जा रहा है। आज है संडे, हम लोग संडे निकलने का इसलिए डिसाइड किए थे कि रोड पे गाड़ियां कम रहेगी, बट आज सभी लोग ने यही सोचा है लगता है, क्योंकि संडे को बहुत सारी गाड़ियां रोड पे आज दिख रही है हमको, तो ट्रैफिक ही ट्रैफिक था टिल यहाँ नासिक तक। आगे थोड़ा खाली मिलेगा तो मस्त क्रूज कंट्रोल ऑन करूंगा, आराम से बैठ जाऊंगा। 80 का लिमिट है, क्रूज कंट्रोल 79 पे सेट। सो इंदौर यहाँ से है लगभग 200 किलोमीटर, और हम लोग बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि भाई है छोटा, वो फर्स्ट टाइम गाड़ी चला रहा है ऐसे नेशनल हाईवे पे, तो सिलेरियो से है, वो पीछे ही पीछे रह रहा है, तो हम लोग को हमेशा उसका वेट करना पड़ रहा है। आगे जाके 1 घंटा वेट करते तो पीछे से आता भी, वो 30-40 किलोमीटर पीछे। अभी 4 बज रहा है और हम निकले थे 7:30 बजे सुबह, और कितना डिस्टेंस कवर किया हमने, 387 किलोमीटर खाली हम लोगों ने ट्रैवल किया सुबह से, 7:30 बजे से निकले। भोपाल 159 और अरे अपनी गाड़ी क्या मस्त चल रही है, मज़ा आ रहा है इसको चलाने में। एर्टिगा और सिलेरियो पता नहीं कहीं है, 20-25 किलोमीटर पीछे। भोपाल से पहले ही हैं हम लोग, टैंक फुल करेंगे। अभी तक कितनी चली है, 658 किलोमीटर चली। बाहर अच्छा खासा मस्त टेम्परेचर हो गया, 18 डिग्री है। वाह, 33.81 658 डिवाइड बाय 33 19.93। 20 का मिला, 20 आ गए भाई सिलेरी वाले भाई। पूरे 18 घंटा गाड़ी चलाया है भाई, 18 घंटा पूरा। 7:30 बजे सुबह निकला था, 12:30 बज रहा है, और विदिशा में हॉल्ट ले रहे, होटल तिरुपति हमेशा की तरह। सो दूसरा दिन है, 7:45 हो रहा है, निकल रहे हैं यहाँ से आगे के लिए। सागर सिटी क्रॉस किया आप लोग ने, और सिलेरियो और एर्टिगा जो है सागर सिटी में भटक गई, क्योंकि सागर सिटी को बाईपास नहीं है ना, तो लोग अंदर घूम रहे। मैं टोल क्रॉस करके यहाँ पे खड़ा हूँ, तब तक चाय पी रहा हूँ। आ गई गाड़ी, एर्टिगा तो आगे, सिलेरियो का पता नहीं।
हम लोग आ गए कटनी, यहाँ पे बुआ का घर है। तो आज का प्लान कुछ ऐसा ही, कटनी पे आज रुकेंगे, टाइम हो रहा है 2:45, तो यहाँ पे रात को स्टे करेंगे, नेक्स्ट डे मॉर्निंग निकलेंगे आगे के लिए। फिलहाल जीपीएस हमको घुमा रहा है गली कुचे में, कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे जाने का। गाड़ी का हालत देखो, रात भर ओस गिरी है, पूरी गीली हो गई गाड़ी। कटनी से निकले थे हम लोग सुबह 9:30 बजे, लगभग 12:30 हो रहा है। नागराज हम लोग पहुंच ही गए, यहाँ से और 150 किलोमीटर हम लोग का घर है, तो 4-5 बजे तक घर पे पहुंच जाएंगे। सुबह से कुछ व्लॉग नहीं किया, शूट नहीं किया, क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था यार, इतना रिलैक्स। मतलब क्या किया, कटनी से निकला, क्रूज कंट्रोल ऑन करके छोड़ दिया। आज मेरे इतना अच्छा लगा ना, मतलब मेरा घुटना भी ना मेरे को दुआ दे रहा होगा यार, क्या मस्त गाड़ी, मजा आ गया। कंट्रोल मस्त ऑन करके बैठ गया था, कुछ शूट नहीं, एकदम मजा नहीं लाइफ, घुटने को आराम देने की वजह। इसको मटन रोटी चाहिए, देखो सादा रोटी नहीं खा रहा है। अच्छा खा रहा है, खा रहा है। ओ दूर वन है हमारा जंगल, उसके पीछे नदी, क्या मस्त व्यू आता है टेरेस पे से। दूसरे वाले छत पे जाके देखते हैं। वहां पे मंदिर है, बारात चलना है। यस, अभी तुरंत। सो हम लोग आए यहाँ पे फैमिली फंक्शन अटेंड करने के लिए, 10-15 दिन का ये ट्रिप है, और यहाँ पे हमें कुछ 4-5 शादी अटेंड करनी, फिर जाएंगे बॉम्बे। तो ये मेरे किया केयरेंस के साथ में गांव पहली बार आया हूँ, तो एक्सपीरियंस आप लोग के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। और है ना, आँखों में ना धूप है ना चुभ रही है अभी यहाँ पे, मतलब ठंडी अच्छी खासी है। बैठ जाते हैं। सुबह और शाम को मस्त ठंडी रहती है, दोपहर को थोड़ा धूप चुभती है, बट अच्छा क्लाइमेट है। और कैरेंस चलाने में जो मजा आया ना भाई, क्या बोलूं आप लोग को, मतलब जिनके पास में कैरेंस है ना, वो ये वीडियो देख के रिलेट कर रहे होंगे, क्या मजा आती है गाड़ी चलाने के लिए हाईवे पे। तो बस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, थोड़ा ट्रैवल वीडियो हो गया, फैमिली ब्लॉग हो गया बॉम्बे, थोड़ा 10 दिन यहाँ पे सब फैमिली फंक्शन अटेंड कर ले, फिर जाएंगे मुंबई, मस्त अपनी राम प्यारी बुलेट लेके निकलेंगे कहीं पे घूमने के लिए। कहीं पे क्या आप लोग को मालूम है, मैं साउथ की राइड करने वाला हूँ, बहुत बड़ी 15 दिन की राइड होने वाली है, फुल जलसा, बहुत मजा करेंगे उसमें। आपको क्या करना है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, और बुलेटिन फैमिली का हिस्सा बनने का है, ताकि आगे की वीडियोज आप तक पहुंचे और आप लोग देख के एंजॉय करो। नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन लिव फ्री, राइड हार्ड एंड ऑलवेज योर हेलमेट। जय हिंद, जय भारत। आंखें चुभ रही है, आंखें।